प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी की राशि भेजने की शुरुआत की। इसके साथ ही राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को 1200 रुपए भेज गए, जिसके जरिए वो बच्चों के लिए ड्रेस और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। आज बच्चों को डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं, जिससे वो बच्चों के लिए स्कूली ड्रेस स्टेशनरी ले सकेंगे। आपको बता दें कि ये राशि पहले 1100 रुपए की थी, जिसको बढ़ाकर अब 1200 रुपए कर दिया गया है। शपथ लेता हूँ कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी क्षमताएं प्राप्त कराते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूंगी और सभी सहभागियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूंगी। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगी। जय हिंद। इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अप्रैल प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुझे भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम आए। विभाजु जुड़ चुके हैं। विभाजु, डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए भेजे गए हैं। सीएम योगी ने आज एक बड़ा उपहार दिया है बच्चों को, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये राशि पहले 1100 की थी, अब 1200 कर दी गई है। सदन में ये मुद्दा भी उठाया गया था। तो बच्चों की ड्रेस और स्टेशनरी के लिए पैसे भेजे गए हैं, किस तरह से देखते हैं? शिक्षा विभाग की तरफ से जो पहली से और पांचवी क्लास के बच्चे हैं उनको स्कूल के द्वारा मिलने वाले, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मिलने वाले जूते, स्वेटर, साथ ही साथ स्कूल ड्रेस, मोजे एवं तमाम जो वस्तुएं होते हैं जैसे स्टेशनरी, इन सभी चीजों को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से आज 1200 रुपए का जो योगदान राशि है वो लगभग 92 लाख छात्रों को, जो 92 लाख प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 92 लाख छात्रों को डीबीटी के माध्यम से 1200 लाख रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजे गए। वहीं आपको बताएं कि इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की मौजूदगी में, और वहीं अगर बात की जाए तो पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता बेबी रानी गौ भी मौजूद रही। इस दौरान आपको बताएं कि जो सूबे में 92 लाख छात्र हैं जिन्हें स्कूल में जो एक्सेसरीज होते हैं यानी कि कपड़े, जूते, मोजे, स्टेशनरी, इन सब चीजों के लिए 1200 रुपए भेजे गए हैं। वहीं आपको बताएं कि दूसरी बार जो अभिभावकों के खाते में ऐसे भेजे गए हैं, पिछली सरकार के अंतिम समयों में 1100 रुपए भेजे गए थे। वहीं आपको बताएं शिखा कि इससे पहले भी ये चीजें चलती थी, मगर जो भुगतान राशि है वो अभिभावकों के खाते में ना जाकर स्कूल से स्वेटर मिलते थे, कपड़े मिलते थे, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कदम उठाया गया कि हम जो अभिभावक है उनके खाते में भेजेंगे। इसके लिए स्कूलों में जो अध्यापक है वो छात्रों से
और साथ ही साथ उनके अभिभावकों से संवाद बनाकर और जो अभिभावक है उनके खाते को फीडिंग किए और आज मुख्यमंत्री ने एक बटन दबाकर डिजिटलाइजेशन के माध्यम से 92 लाख छात्रों के जो पैसे हैं जो सामान खरीदने के लिए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उसे भेजने का काम किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सूबे में 9 ऐसे विद्यालयों का भी चयन किया गया है जिसे जल्द ही स्वच्छता के को देखते हुए और सबसे स्वच्छ स्कूल से जो दर्जा उससे नवाजते हुए पुरस्कार दे दिया जाएगा। जी सिखा जी विभांशु, बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे तो भेज दिए गए हैं लेकिन गरीब तबके की होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक इन पैसों को किसी और जगह किसी और उपयोग में ले आते हैं, तो कैसे सुनिश्चित करा जाएगा कि बच्चों को ये पैसे उनकी ड्रेस के लिए ही मिले, उस पैसों से उनकी ड्रेस साइज स्टेशनरी ही आए? जी बिल्कुल सिखाई, ये एक बड़ा सवाल बनता है क्योंकि अगर देखे तो सरकार की तरफ से गुणवत्ता खराब मिलती थी मगर हर एक बच्चे को ड्रेस और तमाम वस्तुएं मिलती थी, मगर देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश में खास तौर से अगर कोई अभिभावक उस पैसों का दुरुपयोग करे, ना कि उन बच्चों को जो सरकार की तरफ से ड्रेस जूते मोजे स्वेटर और स्टेशनरी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो ना खरीदे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ गलत होगा। इस पे सरकार की तरफ से एक इस पर नियमावली जारी करते हुए स्कूल प्रशासन को ऐसे निर्देश भी देने की जरूरत है कि अगर कोई बच्चा नहीं पहन के आता है या अभिभावक के पैसे पहुंचते हैं उसका दुरुपयोग होता है तो स्कूल के अध्यापक इसकी सूचना दे और जो इस पैसों का गलत उपयोग करे उनके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं 1200 रुपए ये जो गरीब तबके के बच्चे हैं खासकर अगर देखा जाए सिखा तो जो दूर दराज ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे बच्चों फटे पुराने और बिना चप्पल के स्कूल जाते जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है तो ऐसे देखने को कित मिलते हैं, तो अभिभावकों पे भी नजर बनाने की जरूरत है। अगर सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं तो उसका दुरुपयोग ना हो और उन्हें छात्रों को स्कूली ड्रेस और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई की वस्तु खरीदी जाए। वही आपको बताया सिखा कि सवाल ये भी बनता है कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की नेता की तरफ से कमेंट आ रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि क्या इतने पैसे में जो सरकार दावा कर रही है उतनी सामान आ जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिखा कि पैसे पहुंच गए हैं और अभिभावकों के द्वारा इस पैसों में कैसे सामान लिए जाते हैं और साथ ही साथ क्या इसका दुरुपयोग होता है तो क्या इस पे सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। रुक करते अगली खबर की तरफ। यूपी के बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील में अपनी मांगों को लेकर भाकियों के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं 2 दिन में मांगों के पूरे नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो किसानों को एकजुट करते हुए नजर आ रहे थे और उनसे आंदोलन के लिए तैयार होने के लिए भी कह रहे थे, तो वहीं बुलंदशहर से अब ये खबर सामने आ रही है। जो जोखाबाद इंडस्ट्री एरिया में द इंदौर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिसने लॉकडाउन के नाम पर अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और उनको दोबारा से कंपनी में काम पर नहीं रख रही है, उसके संदर्भ में हमने एक ज्ञापन दिया है SDM साहब को। और बुधवार को जो जिले के अंदर भू माफियाओं द्वारा जगह जगह प्लॉटिंग की जा रही है और तानाशाही के रवैये को देखते हुए शासन प्रशासन के साथ मिला हुआ है भू माफियाओं को, तो उसके खिलाफ हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस में इन भू माफियाओं के खिलाफ जो ये बैनामे कराए जा रहे हैं एक बार फिर दो बार फिर तीन बार इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपेंगे। अगर वहाँ पे हमारी बात नहीं बनती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में तालाबंदी का काम करेंगे। और साथ ही साथ तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। किसानों ने मांग करी है कि उन्हें न्याय मिले, साथ ही साथ भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी हो। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है जब किसानों ने तहसील पर धरना प्रदर्शन किया है, अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए हैं, मांगे पूरी होने पर ना होने पर चेतावनी दी है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी की बात कही है, मांगे पूरी करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं किसान।
और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विशाल कुमार जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। विशाल, पूरी जानकारी चाहेंगे, आखिर किस बात को लेकर किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं, कौन कौन सी मांगे किसानों की? किसानों ने धरना दिया है और हेलो विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है विशाल। मैं आपको बता दूं जनपद जी, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में जो व्यापारियों ने आक्रोश होकर एक ज्ञापन दिया और एसपी से मांग किया कि जो जो आरोपी थे उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। जी, तो जिस तरह से तालाबंदी की बात कहते हुए नजर आए हैं, दो दिन के अंदर जांच की बात कहते हुए विशाल नजर आ रहे हैं किसान, इनकी मांगे क्या क्या है? मैं आपको बता दूं जैसे कि जाति अब सब जो के जो सामने आए हैं उनको लेकर किसानों में ज्यादा आक्रोश है और कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और एसपी को के कार्यालय पर जाकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और एसपी ने जांच के आश्वासन दिए हैं जांच के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता विशाल जुड़े थे। हरियाणा के बल्लभगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान ने नगर निगम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की लेट लतीफी से तंग आकर औचक निरीक्षण किया। नगर निगम निरीक्षण के दौरान लगभग 95% कर्मचारी अपनी सीटों से नदारद मिले। आज ये जो इंस्पेक्शन रहा है ये 9:15 का रहा है और ये खुद इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। इसमें जो भी कर्मचारी 10 से 12 कर्मचारी अब्सेंट पाए गए हैं उन सभी अब्सेंट कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर माननीय कमिश्नर साहब को भेजी जा रही है और इसमें ये भी रिकमेंड किया गया है कि इनका आज का वेतन काट लिया जाए। तो एक दिन का वेतन काटने की बात कही गई है, हरियाणा से ये खबर सामने आ रही है, जहाँ कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है। अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया जहाँ कई अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं मिले। हरियाणा के वल्लभगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान ने नगर निगम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की लेट लतीफी से तंग आकर औचक निरीक्षण किया। बता दें इससे पहले भी कई बार शिकायतें मिल चुकी थी कि अधिकारी अपनी सीट पर नहीं होते हैं और नदारद मिलते हैं, जिसके बाद औचक निरीक्षण किया गया। ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा नगर निगम निरीक्षण के दौरान 95% कर्मचारी अपनी सीटों से नदारद मिले, जिसके बाद सख्त एक्शन लेते हुए एक दिन की तनख्वाह काटने की बात कही गई है। कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए हैं ज्वाइंट कमिश्नर। हरियाणा के वल्लभगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान ने नगर निगम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की लेट लतीफी से तंग आकर औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कई बार उनको लेट लतीफी की खबरें मिली हैं, उनको सूचनाएं दी गई, कई बार शिकायतें मिली, जिसके बाद उन्होंने ये औचक निरीक्षण लिया है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। इस खबर पे मनोज, पूरी जानकारी चाहेंगे कि कितने प्रतिशत कर्मचारी, लगभग 95% कर्मचारी नदारद बताए जा रहे थे, तो जब उन्हें ये सूचना मिली कि वहां पे जांच हो रही है, औचक निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे हैं, तो क्या वो पहुंचे अपने एक दफ्तर या तब भी वो नहीं पहुंचे? और जिस तरह से एक दिन का वेतन काटने की बात कही गई है, इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बता दें फरीदाबाद के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत लटकन अपने कार्यालय पहुंचे, उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कुर्सियों पर नहीं हैं और उन्होंने जाकर सभी कमरे में औचक निरीक्षण किया है और वहां जाकर देखा कि कर्मचारी टाइम होने के बाद भी अपने काम पर नहीं पहुंचे, अपनी हाजिरी पर नहीं पहुंचे और उसी को लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है कि इनकी जो एक दिन की जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं काट देने की जो बात उन्होंने उनकी तरफ से की जा रही है। जी, तो जिस तरह से एक दिन की सैलरी काटी जा रही है, तो कैसे कोई बदलाव देखने को मिलेगा और अगली बार अगर इस तरीके की शिकायतें मिलती है तो किस तरह का सख्त एक्शन लिया जा सकता है इन कर्मचारियों पर? इससे पहले भी बल्लभगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने भी नगर निगम में जाकर औचक निरीक्षण किया था जब भी अधिकारी कहीं ना कहीं नदारद मिले थे और इसी को लेकर जो उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करने का जो आश्वासन था वो कैबिनेट मंत्री ने दिया था लोगों को कि जल्दी इन पर कार्रवाई की जाएगी, पर अब जो
जब लटकन जो नगर निगम जो जॉइंट कमिश्नर है उन्होंने भी जो दौरा किया है उसमें भी नाराज पाए गए हैं। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी आखिर ऐसे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इनके खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लगातार जो लोग काम के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं ये कुर्सियों पर नजर नहीं आते, लोगों को काम नहीं होते, चाहे वो घर का काम हो या रजिस्ट्री का काम हो, काफी लोगों को जो परेशानी है वो सामने आती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता मनोज जुड़े थे इस खबर पे। रुक करते अगली खबर की ओर। कानपुर के एक निजी स्कूल में प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। इस दौरान कमिश्नरेट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को किसी तरह से शांत कराया गया। अभी मालूम पड़ा था कि कुछ जो है यहाँ पे प्रेयर को लेके कोई इशू क्रिएट हुआ था, तो उसी को लेके हमारे ACM साहब भी पहले यहाँ पे आए थे और अब हम आए हैं। स्कूल वालों ने अपनी तरफ से छुट्टी डिक्लेयर की है आज की, पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो स्कूल वालों से कहा गया है कि किसी तरह से पैनिक ना करें, पूरी तरह संतुष्ट होकर ही बच्चों को जो है अपने उनके पेरेंट्स को दें और वही देख रहे हैं। अभी लिखित पढ़त में हमारे पास में कोई शिकायत या कोई चीज इस तरह की आई नहीं है, अगर कुछ भी आता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई उसी के। जब ये मामला सामने आया तो अभिभावकों और हिंदू संगठनों द्वारा काफी हंगामा किया गया। प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाने की बात सामने आई है कानपुर के एक स्कूल से, जिसके बाद अभिभावक काफी नाराज नजर आए हैं। और जिसके बाद अब जांच भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कमिश्नरेट पुलिस ने भी इस मामले में लोगों को समझाया और शांति का माहौल करवाया है। आपको बता दें कि प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाने का जब ये मामला सामने आया तो अभिभावक काफी नाराज नजर आए। और कानपुर से संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी चाहेंगे किस स्कूल का ये मामला है। बता दूं कि कानपुर का स्कूल है, उस समय से काफी दिनों से इसमें विवाद की स्थिति में बना हुआ था। हालांकि जब कानपुर में जब चीज को लेकर काफी विवाद हुआ और जब किसी हिंदू संगठनों ने और गार्जियंस ने इस चीज को लेकर जब काफी ऑब्जेक्शन किया, तो स्कूल का कहना है कि ये जो विवाद है ये कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले लगभग एक साल से और पिछले कई सालों से ये प्रार्थना चारों हर समुदाय की प्रार्थनाएं लोग करा रहे थे, लेकिन जब आज लोगों को हिंदू परिषद के लोगों ने जब इस चीज को सामने लाया तो गार्जियन ने भी इसकी शिकायत स्कूल में की व प्रशासनिक अधिकारियों से की। जी, ये मामला संज्ञान में आने के बाद अभिभावकों का क्या कहना है? अभिभावकों का कहना है या तो प्रार्थना कराई जाए तो सिर्फ एक कराई जाए, ऐसा कोई भी प्रार्थना ना कराई जाए और या तो प्रार्थना सारी बंद करा के सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय गान कराया जाए, जिसपे स्कूल प्रशासन ने कहा है कि हम सारी चीजों को हटा के सिर्फ और सिर्फ अब राष्ट्रीय गान करवाएंगे। और जब गार्जियन ने पुलिस का जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़े थे कानपुर से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।